नमस्कार, मैं सिमरनजीत बिहारी न्यूज से। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही देश के सामने अलग अलग सांसदों की कहानियां पेश की जा रही है। कौन किस क्षेत्र से जीत के आया और किस में क्या खासियत है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक दलित मजदूर की बेटी के बारे में, जिसे राहुल गांधी ने बना दिया लोकसभा का सांसद। जी हाँ, उसका नाम है राम्या हरिदास। उम्र है 33 साल, दलित परिवार से आती है। राहुल गांधी को अपने नेता के साथ साथ अपना बड़ा भैया भी बताती है। पिता हरिदास कभी दैनिक मजदूरी किया करते थे। पढ़ाई के दौरान ही राम्या के दिल में राजनीति में आने की इच्छा जगी। उस दौरान केरल में राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस का टैलेंट हंट प्रोग्राम चला रखा था। राम्या उसमें शामिल हुई और कांग्रेस की उस टीम ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सेलेक्ट कर लिया। आपको बताते चलें कि राम्या इस टैलेंट हंट की टॉपर थी। राम्या ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ अल्थोरा में 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर लिया। उन्होंने इस सीट से 2009 से लगातार सांसद बनते आ रहे डॉक्टर पीके बीजू को हराया। राम्या के उस चुनाव में 5,33,000 वोट मिले। सांसद बनने के पूर्व राम्या कांग्रेस के टिकट पर वार्ड पार्षद और नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। राम्या को राजनीति के अलावा संगीत में भी खासी दिलचस्पी है। उन्हें गाने गाने का बहुत शौक है। वो अच्छा गाती हैं, उन्हें उनकी आवाज़ सुरीली है। राम्या ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान खूब गाने गाए और लोगों का दिल जीता। विरोधियों ने राम्या के संगीत से इस प्रेम को मुद्दा ही बना लिया। विरोधी अपने प्रचार में कहने लगे कि संसद कानून बनाने के लिए होता है, गाना गाने के लिए नहीं। राम्या तो गाना गाने के लिए बनी है, वो लोकसभा जाकर क्या करेगी। विरोधियों के इस नेगेटिव प्रचार ने राम्या की राह और आसान करके रख दी। लोगों के मन में उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति पैदा हुई। लोगों ने उन्हें थोक के भाव में वोट दिया। जीतने के बाद भी राम्या ने लोगों के साथ खूब जश्न मनाया और गीत गाकर ही धन्यवाद ज्ञापित किया। केरला के राजनीतिक इतिहास पर निगाह डाले तो महिलाओं को लोकसभा या विधानसभा भेजने में ये राज्य बहुत कमजोर साबित हुआ है। पिछले 48 साल के बाद केरल से कोई दलित महिला लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई है। इसके पहले केरला से 1971 में CPI के टिकट पर भार्गवी थनकप्पन अडूर लोकसभा क्षेत्र से जीतकर संसद पहुंची थी। और अब राम्या की बारी है। धन्यवाद।